नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके एकमात्र भरोसेमंद YouTube चैनल पर। दोस्तों, न्यूनतम वेतन वृद्धि पर सुप्रीम कोर्ट का आया ऐतिहासिक फैसला। कोर्ट ने कहा कि 3 महीने का समय है इम्प्लीमेंटेशन के लिए और इम्प्लीमेंटेशन के बाद मिलेगा बड़ा एरियर। तो आइए दोस्तों, संक्षिप्त में देखते हैं पूरी खबर इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, न जाने क्या हो गया हमारी सरकारों को और हमारे अधिकारियों को। कोई भी मुद्दा, कुछ भी मामला हो, कर्मचारियों को, मजदूरों को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आए दिन कभी हाई कोर्ट का फैसला, कभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया है। न्यूनतम वेतन वृद्धि को लेकर दिल्ली सरकार में कार्यरत मजदूरों के संदर्भ में, इससे लगभग 35 लाख लोगों को फायदा होगा। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने मजदूरों की न्यूनतम वेतन वृद्धि के संदर्भ में एक अधिसूचना जारी की थी। मजदूरों के बढ़े हुए वेतन का प्रारूप इस तरह से था, अकुशल मजदूर को मिलेंगे 14,000 रुपए तथा अर्धकुशल मजदूर को मिलेंगे 15,400, यानी नॉन मैट्रिकुलेट कर्मचारी को मिलेंगे 15,400 रुपए और मैट्रिकुलेट पर ग्रेजुएट नहीं है उसको मिलेंगे 16,962 रुपए तथा ग्रेजुएट मजदूर को मिलेंगे 18,462 रुपए। तो दोस्तों, ये अधिसूचना जारी होने के बाद दिल्ली में कारगरों का वेतन देश में सबसे ज्यादा हो गया था। इसके खिलाफ दिल्ली में उद्योगपतियों तथा कारोबारियों ने एक रिट याचिका दायर की थी दिल्ली सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन वृद्धि की अधिसूचना को निरस्त करने के लिए। इस रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के न्यूनतम वेतन बढ़ाने की अधिसूचना को निरस्त कर दिया था। तब सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। न्यूनतम वेतन वृद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और दिल्ली सरकार से कहा कि वह 3 माह के अंदर देखे कि कैसे न्यूनतम वेतन को लागू करना है। तो दोस्तों, मौजूदा न्यूनतम मजदूरी से बढ़ी हुई मजदूरी तय होती है, तो मजदूरों को उसी हिसाब से कंपनियों और संस्थानों को एरियर भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली सरकार में कार्यरत मजदूरों की न्यूनतम वेतन वृद्धि के संदर्भ में जानकारी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।